सायरम बच्चों बच्चों, पिछले दो सेशन में हमने अनुस्वार का प्रयोग सीखा था और हमने लेसन नंबर 12 जो अनुस्वार का प्रयोग है वो भी हमने शुरू कर दिया था। और हमने पिछले सेशन में अनुस्वार का प्रयोग करके कई शब्द भी सीखे, उनके उच्चारण भी सीखे। हमने ये सीखा, जैसे ही हम अनुस्वार लगाते हैं यानी बिंदी, अनुस्वार का चिन्ह आप देख रहे हैं, उसको अगर लगाते हैं तो उच्चारण कैसे बदल जाता है। तो बच्चों, बढ़ते हैं इस लेसन की तरफ। आप लोग पेज नंबर 67 ओपन कीजिए, लेसन नंबर 12, पेज नंबर 67। खोल लिया बच्चों, तो चलिए हम लेसन पर आते हैं। ये है, आइए पढ़ें, एक छोटा सा लेसन है जिसे हम पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग उंगली रखकर इस लेसन को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप पढ़ें, टीचर एक बार लेसन पढ़ेगी और फिर आप उसको रिपीट करेंगे। तो ये लेसन है चिड़ियाघर की सैर। बच्चों ध्यान से सुनिए, टीचर लेसन पढ़ेगी, आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर जाते ही एक तालाब था, उसमें बतखें तैर रही थी। वे कुछ दूर चले, उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। सबने सुंदर मोर देखा, फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगी पक्षी देखे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया और संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट गए। तो बच्चों, आपने सुना ये लेसन? ये लेसन है चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर मतलब इंग्लिश में जिसे कहते हैं जू, जहाँ पर हम कई सारे जानवर, पक्षी ये सब देखते हैं। तो कौन सा दिन था? तो आइए बच्चों, आप टीचर के पीछे रिपीट करिए और अपने टेक्स्ट बुक में उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। मंगलवार का दिन था, बोलिए बच्चों, मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। रिपीट करिए बच्चों उंगली रख के। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर जाते ही तालाब था। अंदर जाते ही तालाब था, उसमें बतखें तैर रही थी। रिपीट कीजिए बच्चों, उसमें बतखें तैर रही थी। ये वे कुछ दूर चले, उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। बच्चों पढ़िए, उंगली रखकर पढ़िए। गंगा बोली, बोलिए, गंगा बोली,
देखो देखो कितना सुंदर मोर, देखो देखो कितना सुंदर मोर, सबने सुंदर मोर देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। रिपीट करिए बच्चों। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगी पक्षी देखे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। चिड़िया घर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। संजय और कंचन ने, बोलिए बच्चों, संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? कौन सा दिन था बच्चों जिस दिन ये लोग सब चिड़ियाघर गए थे? मंगलवार का दिन था। कौन कौन गया था चिड़ियाघर बताइए? संजय, कंचन, रंजन और गंगा, ये चार लोग चिड़ियाघर घूमने गए थे। जैसे ही अंदर गए उन्होंने सबसे पहले क्या देखा बताइए बच्चों? पढ़ के बताइए। उन्होंने देखा, सबसे पहले एक तालाब देखा और उसमें कौन तैर रहा था? उसमें बतखें, बतखें यानी डक्स तैर रही थी। फिर वो लोग कुछ दूर आगे चले गए, उधर उन्होंने क्या देखा? उधर उन्होंने बहुत सुंदर सा नज़ारा देखा। वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहाँ उन लोगों ने मोर देखा और मोर बहुत ही सुंदर लग रहा था। मोर देखते ही कौन बोला? गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर। कौन बोली? गंगा ने कहा, देखो देखो कितना सुंदर मोर। जैसे ही उसने कहा सबने उस सुंदर से मोर को देखा। फिर उन लोगों ने क्या और देखे? और कौन से जानवर और पक्षी देखे? फिर उन लोगों ने बंदर देखा, लंगूर देखा, रंग बिरंगी पक्षी भी देखे। और उन्होंने एक बंदर देखा जो क्या कर रहा था? बंदर पेड़ पर लटक रहा था। आप देख रहे हैं ना चित्र में बंदर कैसे लटका हुआ है? वहाँ पर मोर देखिए, इतना सुंदर सा मोर है, तालाब भी है। फिर चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया यानि मज़ा आया। सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन यानि जो भी उन्होंने खाने के लिए लाया था वो खाया। संजय और कंचन ने क्या किया बताइए? संजय और कंचन ने हाथी की सवारी की। हाथी पर बैठ गए और उसकी सवारी की। और इतना सब करने के बाद सब लोग खुशी खुशी घर लौट गए। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया? तो बच्चों आगे का भाग हम अगले सेशन में करेंगे। आप इस लेसन को बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए।